हेलो फ्रेंड्स, कुछ टेस्टीनेस के साथ साथ हेल्दी और डाइट भी तो चाहिए, राइट? तो आज हम स्प्राउट चाट लेके आए हैं, वो भी टेस्ट से भरपूर। और स्प्राउट चाट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और आप इस तरह से बच्चों को खिलाएगी तो उनको बहुत पसंद आएगा। वेलकम टू टेस्ट ऑफ किचन। हमारी नई नई रेसिपी जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह हम नई नई रेसिपी आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले हम कटहल को भिगो के रखेंगे, तो उसके लिए हमने पानी लिया है, उसको गर्म होने देंगे और उसके बाद हम उसमें मोठ, चने, मग, वटाना और काबुली चने ऐड कर देंगे और ढक के रख देंगे। कटहल को हमें 7 से 8 घंटे भिगो के रखना है। आप देख सकते हैं अच्छे से कटहल हमारे भीग चुके हैं। अब इसको क्लीन पानी से वॉश करके हम कुकर में चढ़ा देंगे और उसमें हम वाटर ऐड कर देंगे और करीब 2 सीटी तक हम चला लेंगे। तब तक हम वेजीज कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने टमाटर लिया है, उसको बारीक चॉप कर लेंगे। हमें स्मॉल पीसेस में कट करना है। और इसी तरह हम क्यूक्यूम्बर लेंगे और उसके भी स्मॉल पीसेस कर लेंगे। और उसके बाद हमने बीट लिया है, उसको भी हम स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। आप अपने बच्चों के पसंद की वेजीज यहाँ पे ऐड कर सकती है। वेजीज हमने चॉप कर ली है और साथ साथ हमारे कठोर भी पक गए हैं, तो इसको छान लेंगे और उसके बाद हम एक बाउल में डाल देंगे। उसमें बीट, ककड़ी और टमाटर ऐड करके करेंगे। उसके बाद सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर और चाट मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद खजूर की चटनी और ग्रीन चटनी ऐड करेंगे और उसके बाद कोरिएंडर और लेमन ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से मसाला और चटनी ज़्यादा और कम कर सकती हैं। तो रेडी है हमारी स्प्राउट चाट, और इसे हम अपने बच्चों के टिफ़िन में ऐड करेंगे तो उनको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा। और साथ साथ हम फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने खारेक ली है। तो रेडी है हमारा D4 का टिफ़िन बॉक्स। डेली के तेल मसाला के खाने के साथ साथ एक दिन तो हमें हेल्दी स्प्राउट चाट जरूर ट्राई करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।